हम विश्वास रखते हैं जनता का जिसमें भलाई हो, जिसमें उसका पेट भर सके, जिस पे तन पे कपड़ा हो सके, जिस पे सर पे छत हो सके, उस विषय पे कोई चर्चा करेगा उसी को हम मान सम्मान देंगे और उसी के विषय में चर्चा भी करेंगे। बाकी सब विषय पे हमें कोई लेना देना नहीं है। जात पात की राजनीति छोड़े और अपने अपने जो महंगाई विषय पे चर्चा करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जिस तरह से बिहार की राजनीति काफ़ी गर्माई हुई है, और वहीं बात करें तो आरजेडी कोटे से कई जो ऐसे नेता हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर अलग अलग बयान दे रहे हैं। वहीं बात करें तो इस पर जब हमने बात किया आरजेडी के विधायक रितलाल यादव से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए हम इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, हम सिर्फ विश्वास करते हैं जिसमें जनता के हित की बात हो, जिसमें जनता की भलाई हो। पहले क्या कुछ कह रहे हैं रितलाल यादव, पहले सुनिए उनकी बातों को। बाबा बागेश्वर आ रहे हैं, उसको लेकर के सियासी हलचल जो है बहुत तेज हो गई, बयानबाजी का दौर आ गया है। देखिए ये सब चीज़ पर हम विश्वास नहीं रखते हैं। हम विश्वास रखते हैं जनता का जिसमें भलाई हो, जिसमें उसका पेट भर सके, जिस पे तन पे कपड़ा हो सके, जिस पे सर पे छत हो सके, उस विषय पे कोई चर्चा करेगा उसी को हम मान सम्मान देंगे और उसी के विषय में चर्चा भी करेंगे। बाकी सब विषय पे हमें कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो बाबा बागेश्वर को रोकेंगे वो मिट्टी में मिल जाएंगे। देखिए रोकने वाला हम क्या होते हैं और बढ़ाने वाला हम क्या होते हैं। ऊपर से बहुत सारे लोग को भेजा गया है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद बहुत तरह के अनैतिक कार्य भी किया जा रहा है लोगों को भेष बदल करके। अब बहुत सा कार्य उचित भी किया जा रहा है भेष बदल करके। इन सारी बातों को लेकर के जितने भी जनता हैं हमारे हिंदुस्तान के, सभी को सोचने का समय आ गया है कि जात पात की राजनीति छोड़े और अपने अपने जो महंगाई कि विषय पे चर्चा करना है इस विषय पे चर्चा करें और ऐसे ऐसे लोगों को साथ दें। तो आपने सुना आरजेडी कोटे से विधायक रितलाल यादव का, उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए हम इस सब चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं, हम विश्वास करते हैं जिसमें जनता की बात हो, जनता की हित की बात हो। और वहीं बात करें तो उन्होंने ये भी इनसे जब ये भी पूछा गया कि रितलाल यादव से पूछा गया कि रोकने की बात कही जा रही है धीरेन्द्र शास्त्री पर, तो उनका कहना है कि देखिए हम ना किसी को रोकते हैं ना किसी को बढ़ाते हैं। और वहीं बात करें तो साफ तौर पर रितलाल यादव ये भी कह रहे हैं कि भगवान ने धरती पर कई लोगों को भेजा है, तो कोई अच्छे काम करते हैं तो कोई बुरे काम करने लगते हैं। जिस तरह से बात करें तो धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जो राजनीतिक है बिहार की गरमाई हुई है, वहीं बात करें तो आरजेडी कोटे से ही कई जो ऐसे नेता हैं वो अलग अलग बयान दे रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर। वहीं बात करें तो आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, वो भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो ऐसे बाबाओं को जेल में होना चाहिए। तो वहीं बात करें तो तेज प्रताप यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर बागेश्वर बाबा आ रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो हम उन्हें घेरने के काम करेंगे। और वहीं बात करें तो जिनको धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर राजनीतिक जो जिस तरह से गरमाई हुई है, जिसको लेकर रितलाल यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए हम इन सब चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं, हम विश्वास सिर्फ करते हैं जिसमें जनता की बात हो, जनता के हित की बात हो, जनता के जिसमें पेट भरे, उन सब चीज़ पर विश्वास करते हैं। लेकिन जो हम इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, जब वो धीरेन्द्र शास्त्री जब आते हैं तो क्या कुछ राजनीतिक मोड़ लेती है बिहार में। तमाम खबरों को बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।